أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you for watching and subscribing my channel. In this tutorial, I will let you know about spreadsheet. I myself, Abid Hussain, an MPhil scholar in library and information science. And my email is writetoabidhussain@gmail.com for any query. The subject from which this lecture is extracted is the use of emerging technologies in the library. So stay with us. First of all, I'll spread light on what is spreadsheet. A spreadsheet or worksheet is a file made of rows and columns that help sort, organize, and arrange data efficiently and calculate numerical data. What makes a spreadsheet program unique is its ability to calculate values using mathematical formulas and the data in cells. An example of how a spreadsheet may be utilized is creating an overview of your bank balance. Spreadsheet क्या है? Spreadsheet एक फाइल होती है जिसको कॉलम और रो से बनाया गया हो। इसका काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना और अरेंज करना अच्छे तरीके से। और स्प्रेडशीट का जो दूसरा काम है न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करना। स्प्रेडशीट यूनिक क्यों है आम फाइल से? क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूला और डेटा का इस्तेमाल जो है ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करती। अब अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में स्प्रेडशीट के बारे में एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस होता है जिसमें से कोई कटौती होती है जिसमें इंक्रीजिंग होता है उसको आम लफ्जों में स्प्रेडशीट कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट टुडे इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम बट देयर आर ऑल्सो मैनी अल्टरनेटिव सच एज गूगल शीट्स ऑनलाइन एंड फ्री आई वर्क नंबर्स Apple Office Suite, LibreOffice Scale, Free Lotus, 123 Discontinued, Lotus Symphony, Spreadsheet, Open Office, Calc Free, VisiCalc Discontinued। अच्छा कुछ प्रोग्राम ऐसे होते इसके सामने मैंने Discontinued लिखा हुआ होता है। ये वो प्रोग्राम है जो कि आजकल बहुत कम जो है ना आते हैं बल्कि इसकी एडवांस वर्जन दूसरी फाइलों में कन्वर्ट हो गई। अगर आप स्प्रेडशीट के पॉपुलर एग्जांपल के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अलावा गूगल शीट्स इसमें रो और कॉलम लगे होते आई वर्क नंबर्स एप्पल ऑफिस सूट लिब्री ऑफिस जो कि लिनक्स और यूबंटू विंडो में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट के लेकिन ये चंद पॉपुलर एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आ रहे यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन लाइब्रेरीज। स्प्रेडशीट आर वर्सटाइल टूल्स दैट फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज एडिंग इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। हियर आर सेवरल की यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन द लाइब्रेरीज। Collection management. Libraries use spreadsheet to manage and organize their collection effectively. They create inventory spreadsheet to track books, journals, multimedia materials, and digital resources. Spreadsheet can include information such as classroom, such as accession numbers, titles, authors, publication year, जेनर्स एंड अवेलेबिलिटी स्टेटस। कलेक्शन मैनेजमेंट में स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई बुक रजिस्टर में एंड करते होते या ऑनलाइन एक्सेल शीट में बुक्स जर्नल्स मल्टीमीडिया मटेरियल्स और इसी तरह डिजिटल रिसोर्सेस तो उसको हम एंटर करते हैं स्प्रेडशीट में और एक्सेशन नंबर हर इसको असाइन किया जा सकता है। अच्छा आपने देखा होगा कि टाइटल का अलग एक कॉलम होता है ऑथर्स पब्लिकेशन ईयर इस तरह करते करते पब्लिशर्स और बहुत सारी चीज़ें जो ना
ईयर ऑफ पब्लिकेशन या इस तरह की प्राइस, ये सारी स्प्रेडशीट कलेक्शन मैनेजमेंट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलॉगिंग एंड मेटा डेटा स्प्रेडशीट आर यूज इन कैटलॉगिंग एंड मेटा डेटा मैनेजमेंट। लाइब्रेरियंस क्रिएट मेटा डेटा स्प्रेडशीट टू रिकॉर्ड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग आईएसबीएन आईएसएसएन नंबर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कीवर्ड समरीज एंड रिलेटेड डेटा। दिस स्प्रेडशीट एड एंड एफिशिएंट कैटलॉगिंग एंड रिट्रीवल ऑफ रिसोर्स। कैटलॉगिंग और मेटा डेटा में जो हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो भी स्प्रेडशीट का है। इसी तरह सर्कुलेशन एंड बोरोविंग, लाइब्रेरीज यूज स्प्रेडशीट फॉर सर्कुलेशन मैनेजमेंट, ट्रैकिंग लोन्स रिटर्न्स रिन्यूअल्स एंड ओवरड्यू आइटम्स। दे मेंटेन बोरो रिकॉर्ड ड्यू डेट्स फाइंस एंड कैलकुलेशन स्टेटिस्टिक इन स्प्रेडशीट, इनेबलिंग लाइब्रेरियंस टू मॉनिटर बोरोइंग पैटर्न एंड मैनेज सर्कुलेशन वर्क फ्लोज इफिशेंटली। सर्कुलेशन और बोरोइंग पर्पस के लिए भी हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसपे ड्यू डेट फाइन रिकॉर्ड्स बोरोवर का नेम वगैरह। आपने अक्सर पुराने जमाने में कार्ड चार्जिंग ब्राउन वगैरह कार्ड हम इस्तेमाल करते थे जिसमें कॉलम और रो लगे हुए होते, तो या तो हम स्टैम्प लगाते थे कि ये ड्यू डेट है और ये रिटर्न डेट है। इसी तरह एक्विजिशन एंड बजटिंग स्प्रेडशीट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्विजिशन एंड बजट मैनेजमेंट फॉर द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज यूज बजटिंग स्प्रेडशीट टू एलोकेट फंड्स, ट्रैक एक्सपेंडिचर, मैनेज वेंडर पेमेंट एंड मॉनिटर बजट यूटिलाइजेशन। एक्विजिशन स्प्रेडशीट ट्रैक परचेज ऑर्डर्स इनवॉइस प्राइसिंग क्वांटिटीज एंड डिलीवरी स्टेटस फॉर लाइब्रेरी एक्विजिशन। एक्विजिशन और बजटरी रिसोर्सेज के लिए भी लाइब्रेरी में स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर फंड को एलोकेट करना, एक्सपेंडिचर को मेंशन करना, वेंडर्स की पेमेंट को मेंशन करना और इसी तरह बजट यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल सारा का सारा स्प्रेडशीट पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजेज स्टेटिस्टिक एंड रिपोर्टिंग स्प्रेडशीट आर यूज टू एनालाइज एंड रिपोर्ट यूजेज स्टेटिस्टिक फॉर लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विस। लाइब्रेरियंस कंपाइल सर्कुलेशन डेटा यूजेज मेट्रिक पैटर्न डेमोग्राफिक्स एंड फीडबैक इनटू स्प्रेडशीट फॉर जनरेटिंग रिपोर्ट्स असेसिंग यूजेज ट्रेंड्स एंड डिसीजन मेकिंग डेटा ड्राइव डिसीजन। स्टेटिस्टिकल रिपोर्टिंग के लिए भी हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, यह हमने क्लियर कर दिया। इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट, आई विल यूज स्प्रेडशीट टू मैनेज इंटर लाइब्रेरी लोन रिक्वेस्ट एंड ट्रांजेक्शन। स्प्रेडशीट ट्रैक लोन रिक्वेस्ट एंड इंफॉर्मेशन ड्यू डेट्स लोन पीरियड्स एंड रिटर्न स्टेटस फॉर मटेरियल बोरोड फ्रॉम द लेंड टू अदर लाइब्रेरीज। जब आप दूसरी लाइब्रेरी से इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए चीज़ें मंगाते तो उसका इस्तेमाल भी जो है ना स्प्रेडशीट के जरिए किया जा सकता है। पैटर्न रिकॉर्ड्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट स्प्रेडशीट आर यूटिलाइज्ड टू मेंटेन पैटर्न रिकॉर्ड्स टू इन डेटाबेस मैनेजमेंट। लाइब्रेरीज क्रिएट स्प्रेडशीट फॉर पैटर्न रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बॉरोइंग हिस्ट्री प्रेफरेंसेस एंड मेंबरशिप स्टेटस। स्प्रेडशीट एड इन मैनेजिंग पैटर्न डेटाबेस एंड प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विसेज। आपने देखा होगा कि आप जब सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं पैटर्न का, तो उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर और इस तरह उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, ये सारा इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? स्प्रेडशीट में। इवेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, लाइब्रेरीज आर यूज स्प्रेडशीट फॉर इवेंट प्लानिंग शेड्यूल एंड लॉजिस्टिक। दे क्रिएट इवेंट कैलेंडर पार्टिसिपेंट लिस्ट शेड्यूल्स एजेंडास एंड रिसोर्स एलोकेशन शीट यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट फैसिलिटेट इफिशेंट इवेंट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द लाइब्रेरीज। इसी तरह डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन स्प्रेडशीट एनेबल डेटा एनालिसिस विजुअलाइजेशन एंड चार्टिंग फॉर लाइब्रेरी रिलेटेड डेटा। लाइब्रेरी यूज स्प्रेडशीट फंक्शंस फार्मूलाज एंड पिवट टेबल्स टू एनालाइज सर्कुलेशन ट्रेंड्स कलेक्शन यूजेज बजट एलोकेशन एंड अदर मेट्रिक्स। चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन स्प्रेडशीट्स हेल्प विजुअलाइज डेटा फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए मतलब आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तब भी आप
स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, स्प्रेडशीट का इस्तेमाल लाइब्रेरी में हर जगह पे होता है और बहुत ज़्यादा लाइब्रेरियंस इंक्लूडेड मी वर नॉट वेल अवेयर अबाउट स्प्रेडशीट अर्लियर, क्योंकि हमने बहुत ज़माना पहले पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपकी लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और सदका जारिया समझ के दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर इसका इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।